इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियों में तेजी। नून लीग और जेयूआई में आंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर इतफाक। कौमी और सूबाई नशस्तों पर उम्मीदवार बाहमी इतफाक की राय से उतारने का फैसला। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ ने फजल रहमान को एमक्यूएम के साथ तय पाने वाले इंतखाबी मुआहदे पर एतमाद में लिया। सिंध में तीनों जमातें दीगर इतिहादियों से मिलकर सीट एडजस्टमेंट करके मैदान में उतरेगी। सदारती उम्मीदवार के मामले पर आइंदा पार्लियामान के वजूद में आने के बाद फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी से पीपीपी पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात। पीपी वस्ता पंजाब के कायमकम सदर राणा फारूक सईद, असलम गिल और दीगर रहनुमा मुलाकात करने वालों में शामिल। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। कारोबारी मसाइल का एक ही जगह हल। माल रोड अल्फलाल बिल्डिंग में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर कायम। निगरान वज़ीरे आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। कारोबारी अफराद को 15 रोज़ में एनओसी का इजरा होगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी बोले, ओवरसीज पाकिस्तानियों को एनओसी की सहूलियात 10 दिन में देंगे। फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान में भी अगले 30 दिन में ऐसे सेंटर्स खोले जाएंगे। लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों का गिर्द शिकंजा सख्त किया जाएगा। हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम में करप्शन का शिकार हैं। नैब को तब्दील करना कलीदी जिम्मेदारी है। कोई एक इदारा करप्शन का खात्मा नहीं कर सकता। कारोबारी अफराद नैब से खौफजदा ना हो, नैब इनके साथ खड़ा है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का तकरीब से खिताब। पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इकदाम जारी। 5 मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर मेडिकल अखराजात के लिए मजीद 15 लाख रुपए जारी। ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद इरफान को इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। लाहौर के कांस्टेबल खालिद हुसैन को इलाज के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। बेड्स के ऊपर मरीज, नीचे बिलियां। तिबी सहूलतों के फुकदान पर मरीज परेशान। सफाई के नाकिस इंतजामात, गंदगी, रेडियोलॉजी वार्ड को ताले। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल की हालत इजहार देकर वजीर आला मोहसिन नकवी बरहम। मरीजों और लवाहिकी ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने एमएस को फौरी तब्दील करने का हुक्म दे दिया। और डेंगू मच्छर के हमले न थम सके। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 18 मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 35 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 20 मरीज जेरे इलाज हैं।